नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करनी है। इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विंटर वेकेशन चल रहा है और इस समय आप छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन छुट्टियों का उपयोग बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं छह महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके साथ साझा करूंगा। सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप यह सभी महसूस करते हैं कि सेमेस्टर का प्रेशर निश्चित रूप से हम सभी के ऊपर रहता है। जो भी निर्धारित समय आपको दिया गया रहता है, लगभग 90 दिन का समय होता है, और इसी 90 दिन के समय में आपको अपना सारा सिलेबस पूरा करना होता है, पढ़ना होता है, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होती है। तो निश्चित रूप से चाहे वो टीचर हों, चाहे आप खुद स्टूडेंट्स हों, आप सभी लोग, हम सभी लोग इस सेमेस्टर सिस्टम के तहत कहीं ना कहीं पढ़ने और पढ़ाने का जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो तनाव है, महसूस करते हैं, क्योंकि निर्धारित समय में एक टीचर्स को अपना सिलेबस ख़त्म करना होता है और एक स्टूडेंट को अपनी सारी तैयारी इन्हीं दिनों में पूरी करनी होती है। तो निश्चित रूप से ये जो समय है, जो छुट्टी आपको मिली है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन की जो छुट्टी आपको मिली, इसका आप बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, विस्तृत तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, समझ करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार आप पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन आप शायद बहुत विधिवत तरीके से बहुत डेप्थ में जा करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि समय का प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी आपको पढ़ना होता है, और टीचर्स भी कई बार कोशिश करता है कि हम आपको विस्तृत तरीके से चीज़ों को बताएं, लेकिन तमाम तरह के जिम्मेदारियों के होने के साथ साथ जो टाइम लिमिट है, जो कम समय मिला है, उसी समय में सिलेबस को, कोर्स को पूरा करने का जो प्रेशर होता है, शायद इसके वजह से टीचर्स चाह करके भी आपको विस्तृत तरीके से चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। तो निश्चित रूप से आप इन छुट्टियों का उपयोग करिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से स्वतंत्र रूप से पढ़ करके समझने की कोशिश करिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि यह जो समय है, यह अधूरे काम को समझ करके पूरा करने का समय है। इन छुट्टियों को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास अभी भी बहुत सही है, ज़्यादा है, कम नहीं है। तो आप चीज़ों को समझ करके बिना दबाव का विस्तृत तरीके से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अच्छी किताबों का उपयोग कर सकते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने का एक शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, आप YouTube पर, Google पर जा करके चीज़ों को देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि शुरू शुरू में ही आप बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है। आप कोशिश करिए कि आप अपने सीनियर से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और शुरू में ही एक अच्छी और पॉजिटिव तरीके से स्टडी हैबिट आप अपने अंदर डेवलप करिए, विस्तृत तरीके से पढ़िए। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो निश्चित रूप से आप अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स, टीचर्स के साथ डिस्कशन करिए, ताकि निश्चित रूप से सही चीज़ और विस्तृत तरीके से आप जान पाएं। और एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आप अगर शुरू में ही अच्छी किताबों का उपयोग करते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यह आपको जिंदगी भर काम आएगा और जीवन भर आपको इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और तीसरी मैं अगर महत्वपूर्ण बात करूं आपके साथ, तो निश्चित रूप से आप यह महसूस करेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, आपको विचलित नहीं होना है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ न कुछ समस्याएं हमारे जीवन में लगी रहती हैं, हमारे परिवार में लगी रहती हैं, कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। इन चीज़ों से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें फोकस्ड होना है, हमें अपने टारगेट पर बिल्कुल उस लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। थोड़ा ही सही, लेकिन धीरे धीरे कोशिश आपको करते रहना है, धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अच्छे तरीके से इन बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे।
अगर आप इन छोटी छोटी समस्याओं से विचलित हो गए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में समस्याएं तो चली जाएंगी, लेकिन आप अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। इन समस्याओं को मुंहतोड़ जवाब देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, आप धैर्यपूर्वक इसे भूलिए, ऐसी चीजों पर ध्यान न दीजिए। ये वक्त है, एक न एक दिन इन समस्याओं का आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं होगा। निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर करना है तो इन समस्याओं से आगे आपको निकलना पड़ेगा, यानी आप इन रोजमर्रा के चीजों में, अगल बगल की चीजों में, छोटी बड़ी चुनौतियों को लेकर के, छोटी बड़ी परेशानियों को लेकर के, ये सब लाइफ का हिस्सा है, होती रहेंगे, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। इस विकट परिस्थिति में भी आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना है, डटे रहना है, थोड़ा करना है, रोज करना है, लगातार करना है, कोशिश करना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर चौथी बात हम कहें तो टाइम मैनेजमेंट का होता है। निश्चित रूप से आपके पास 24 घंटे का समय है और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, करने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे प्लान आपके हो सकते हैं, लेकिन आप इन 24 घंटे का ही उपयोग कर सकते हैं, आपको अलग से समय नहीं मिल सकता है। तो इन 24 घंटे का जो इस्तेमाल है, आप अपने लिए, अपने प्लान के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली के लिए किस तरीके से देना चाहते हैं, या निश्चित रूप से आपके टाइम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। कई बार बेवजह की चीज़ों में हम इतना ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हमारा समय भी बीत जाता है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जहां पर हमारे पास इतना भी समय नहीं रहता कि हम एक बहुत जरूरी काम कर पाए। तो निश्चित रूप से आप की जो पढ़ाई है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ख्वाब है, आपका जो जुनून है, आपका जो मकसद है, वह सर्वोपरि है। आप इसको फोकस्ड होकर के ही काम करिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो प्रायोरिटी में नंबर वन पर है, शिखर पर है, आप उसको हमेशा दिल में रखिए, दिमाग में रखिए, और उसके लिए अग्रसर आप रहिए, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और उस प्रायोरिटी के आधार पर आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे आज यह काम करना ही है, या कल मुझे कौन सा काम करना है। इसका आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसी लिस्ट के आधार पर या उसी प्लान के आधार पर आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे, और जीवन में जो भी जरूरी काम है उसको भी निश्चित रूप से आप पूरा कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करूं तो वह निश्चित रूप से सामाजिक होना भी जरूरी है, सामाजिक बनना। यानी निश्चित रूप से यह छुट्टी हुई है तो मैं सिर्फ आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप दिन रात पढ़ते रहिए, थोड़ा सोशल भी बनिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप गांव में जाइए, गांव के लोगों से मिलिए, वहां पर घूमिए, वहां पे बाग बगीचा है वहां घूमिए, खेत खलिहान है वहां घूमिए, दोस्तों से मिलिए, अपने पुराने स्कूल पर जाइए, टीचर से मिलिए, पुराने मित्रों से मिलिए, वहाँ के जो गांव वाले लोग हैं उनसे मिलिए, वहाँ के बच्चों से मिलिए, वहाँ के महिलाओं से मिलिए, जो गांव की खूबसूरती है आप उसको निहारिए, उसके साथ समय दीजिए, तो निश्चित रूप से एक आपको एक अलग खुशी मिलेगी, आपको एक नए तरह का अनुभव और एहसास होगा जो आपको निश्चित रूप से एक तमाम तरह के जो टेंशन है, जो तनाव है, इन तरह की चीज़ों से आपको बाहर निकलने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से अगर आप गांव में जा रहे हैं तो इन लोगों के प्रति आप थोड़ा इनको मोटिवेट करिए, इनके कामों के लिए इनकरेज करिए, इनको सहयोग करिए, और आप अपने वाणी से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जहां पर आप अध्ययन करते हैं एक अच्छा विद्यार्थी होने का परिचय दें, उन्हें उनके कामों के लिए इनकरेज करें, बच्चों को भी आप इनकरेज करें, उन्हें बताएं, क्योंकि बच्चे कि आप निश्चित रूप से मॉडल हो सकते हैं। वह आप जैसा बड़ा होकर के इतने बड़े विश्वविद्यालय का छात्र बनना चाहता हो, छात्रा बनना चाहती हो, तो ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने व्यवहार से, अपने बात से लोगों को इनकरेज कर सकते हैं। तो यह भी जीवन जीना बहुत ज़रूरी है,
जो आपको बेहद खुशी प्रदान कर सकता है। और सबसे बड़ी और अहम बात जाते जाते कि आप अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है तो सारा कुछ बेकार है। कभी आप जब परेशान रहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, वह तभी हो पाएगा जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बेवजह की चीज़ों में फंसना नहीं है, नकारात्मक नहीं होना है, नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहना है, हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना है, हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करना है, समस्याओं का डट के मुकाबला करना है, हमें विचलित नहीं होना है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में लगी रहेंगी, आती जाती रहेंगी, समय के साथ सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ हम भूल जाते हैं, लेकिन एक बार यह जीवन और समय चला जाएगा तो वापस लौट करके नहीं आएगा। ऐसा न हो कि सिर्फ हम समय बीत जाए और अफसोस करें, पछताएं, इससे पहले हम सकारात्मक रूप से कोशिश करें, अपने लक्ष्य को पा करके खुद को समाज में और खुद के लिए साबित कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।